हेलो एवरीवन वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू सो एज़ यू कैन सी आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सिक्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट दैट इज डिजोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म चैप्टर नंबर सिक्स कवर करता है फ्रॉम सेक्शन थर्टी नाइन टू फिफ्टी फाइव इसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो हम अभी सारे कवर करेंगे देखते हैं सेक्शन नंबर थर्टी नाइन देखिए सेक्शन थर्टी नाइन बात करता है डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म या कब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हम uh, बोलेंगे दैट ओके अ फर्म इज डिजोल्ड दैट इज द डिजोल्यूशन ऑफ अ फर्म तो uh, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दैट डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म जितने भी पार्टनर्स हैं आपके फर्म के उनके बीच में जब पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो जाती है उसी को हम बोलते हैं डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म जाहिर सी बात है जो जितने भी पार्टनर्स एक फर्म में हैं जब उनके बीच पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो गई तो भाई फर्म भी तो डिज़ोल्व हो गई यही इसका मतलब है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर फोर्टी दैट इज़ डिज़ोल्यूशन बाई अग्रीमेंट अगर हमें किसी अग्रीमेंट से फॉर्म को डिज़ोल्व करना है तो वो कैसे होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स ज़ाहिर सी बात है अगर अग्रीमेंट से हमें डिज़ोल्व करना है तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा और सारे पार्टनर्स की उसमें कंसेंट रहेगी नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सेक्शन फोर्टी वन कंपल्सरी डिजोल्यूशन यानी ऐसी कौन सी सिचुएशनस हैं जब एक फॉर्म कंपल्सरीली यानी एकदम आवश्यक है कि वो डिज़ोल्व हो ही जाएगी तो इसमें दिया है बाय हैपनिंग ऑफ एन अनलॉफुल इवेंट यानी अगर कोई अनलॉफुल इवेंट वो फॉर्म करती है ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में कंपल्सरी है कि उस फॉर्म को डिजोल्ट कर दिया जाए इसमें प्रोवाइजो है प्रोवाइजो देखते हैं प्रोवाइजो बात करता है दैट मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर यानी कोई सेपरेट यानी अलग तरह का भी कोई काम एक फर्म करती है इस कैरियड ऑन बाय द फर्म देन इिगेलिटी ऑफ वन या मोर शैल नॉट इट सेल्फ कॉज द रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉफुल एडवेंचर्स एंड अंडरटेकिंग्स देखिए इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर कोई जैसे दो दो तीन तरह का काम एक फर्म कर रही है ठीक है उसमें से एक काम था जो अनलॉफुल है लेकिन एक सेपरेट तरह का काम भी वो कंपनी करती है जिसका इस काम से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ठीक है ना और ये मिस्टर बी ये बी वर्क जो है दैट इज़ लीगल इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट इज़ लॉफुल दैट इज़ लीगल तो क्योंकि ये वाला काम इलीगल है इस वजह से ऐसा नहीं कि बी वर्क भी इ हो जाएगा ठीक है ना यही चीज बताता है प्रोवाइजो नेक्स्ट इज योर सेक्शन फोर्टी टू दैट डिजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज क्या ध्यान रखना है कंटिजेंसीज की बात कहाँ की गई है सेक्शन नंबर फोर्टी टू में तो वो कौन कौन सी कंटिजेंसी है जब जब वो होंगी तो फर्म डिजॉल्व हो जाएगी दैट इज़ कंस्टीट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म कोई एक फर्म है जिसको हमने एक साल के लिए बनाया था एक साल खत्म हो गया तो वो फर्म एक्सपायर हो गई ठीक है कंस्टीट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर या अंडरटेकिंग्स तो जब वो काम ख़त्म तो फॉर्म ख़त्म बस ऐसे याद रखना है डेथ ऑफ अ पार्टनर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो ऐसी सिचुएशन में भी एंड एडजन पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट इससे रिलेटेड पार्टनर की डेथ और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड चीज़ें हम अभी प्रीवियस सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं आप एक बार चैप्टर नंबर फाइव और सिक्स भी जाके जरूर देखिए अब आती है पार्टनरशिप एट विल तो सेक्शन फोर्टी थ्री बात करता है डिजोल्यूशन बाई नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो इस सिचुएशन में कैसे डिजोल्व होगी फॉर्म बाई एनी पार्टनर गिविंग रिटर्न नोटिस टू द अदर पार्टनर्स ठीक है इस आप ये चीज़ ध्यान रखिए जहाँ भी पार्टनरशिप एक्ट विलेगी तो वहाँ पर आपको रिटर्न नोटिस दूसरे पार्टनर्स को देनी ही देनी है किस चीज़ की नोटिस आप दे रहे हैं ऑफ़ इंटेंशन टू डिज़ोल्व द फॉर्म बहुत ही आसान है बस आपको दो तीन बार इसे पढ़ लेना है सेक्शन याद रखना है तो ये सारे सेक्शन आपको अच्छे से याद रहेंगे आप इसको नहीं बोलेंगे सेक्शन फोर्टी फोर देखते हैं डिजोल्यूशन बाई कोर्ट अब अगर कोर्ट डिजोल्व कर रही है किसी फॉर्म को तो वो कैसे होगा एट अ पार्टनर जाहिर सी बात है आपको सूट लेके आना पड़ेगा कि हमें फॉर्म को डिजोल्व करना है कोर्ट में डिजोल्व द फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स क्या है ये हमें ध्यान रखने हैं एक बार देखते हैं क्या क्या ग्राउंड्स हैं पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिस्सूज पार्टनर गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच अफेक्ट प्रशली विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट्स पार्टनर ट्रांसफर्ड द होल ऑफ इज इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी इसको आपको ऑर्डर ट्वेंटी वन रूल फोर्टी नाइन के साथ पढ़ना है ये ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट लॉस बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन यानी बहुत ग्रीवियस लॉस में आपकी फर्म चल रही है फर्म शुड बी डिजोल्ड एट इक्विटेबल ग्राउंड ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं मेन्स पार्टनरशिप एक्ट जहाँ पर भी मेन्स में आता है ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है देखिए सेक्शन नंबर फोर्टी फाइव से लेकर फिफ्टी फोर तक के सारे जितने भी सेक्शंस हैं एक एक बार आप उसे रीड कर लीजिएगा वही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं आपको एक बार रीड करना पड़ेगा और काफ़ी इजी है इस वजह से यहाँ पे हमने बस ये इनफॉर्म कर दिया है कि आप इसे रीड कर लेंगे देखिए अगर आपने अभी तक के जितने भी आ, आ, हमने आपको पढ़ाए हैं चैप्टर सिक्स तक की चीज़ें ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ठीक है अगर आप यहाँ तक अच्छे से समझें तो आगे इन सेक्शंस को समझने में आपको कोई भी इशू नहीं होगा स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम सेक्शन फोर्टी फाइव से फिफ्टी फोर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपकी हेल्प की जाएगी ठीक है तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर सिक्स तक की सारी सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ पे डील करेंगे चैप्टर नंबर सेवन दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच